नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड इंटर सेंटअप परीक्षा की शुरुआत आज से। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 की सेंटअप परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा 19 नवंबर तक जारी रहेगी। इससे पहले परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया था। परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जो छात्र सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होंगे। सेंटअप परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैटर्न पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह रहेगा। इससे छात्रों को प्रश्न के पैटर्न की भी जानकारी मिल जाएगी। सेंटअप परीक्षा की प्रायोगिक की परीक्षा भी बोर्ड द्वारा ली जाएगी। परीक्षा लेने के बाद मूल्यांकन का रिजल्ट स्कूल स्तर पर तैयार किया जाएगा। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से जीती एनडीए। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जहां पर एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुई है, जिसके तहत एनडीए के खाते में 125 सीट गई है। वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली है। इसके साथ ही अन्य को 8 सीटें मिली है। राज्य ने कुल मिलाकर अकेले 75 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा के खाते में 74 सीटें आई थी। इसी के साथ ही अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू को कुल मिलाकर 43 सीटों पर जीत मिली है। इसके साथ ही एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को 12 सीटें मिली है। इसके साथ ही हम पार्टी को 4 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट पर जीत दर्ज हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी 4 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है। वहीं बिहार में एनडीए को मिले समर्थन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पाला बदलने वाले तमाम दिग्गजों को वोटरों ने नकारा। बिहार विधानसभा चुनाव में अक्सर पाला बदलने की राजनीति देखने को मिलती है। हालांकि यह प्रत्याशियों पर भारी पड़ा है। जो भी प्रत्याशी पाला बदलकर दूसरी पार्टी में मैदान में उतरने का फैसला जिन्होंने भी किया था, उन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया है। राजद के सर्वाधिक आधा दर्जन नेता इस बार अपना चुनाव क्षेत्र बदलकर दूसरी सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ सीट से छोड़कर उन्होंने हसनपुर से मैदान में उतरने का फैसला किया था। हालांकि उन्हें इस बात का फायदा जरूर मिला, मगर राजद के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी हरिनगर की जगह केवटी से मैदान में उतरे थे, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव बहादुरपुर की जगह हायाघाट से मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं जदयू छोड़कर राजद का दामन थामने वाले अमरनाथ गामी को भी हार का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की महिला नेताओं का रहा शानदार प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की महिला नेताओं का शानदार प्रदर्शन रहा। चुनाव 2020 में भाजपा ने पार्टी में इस तरह से 13 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें उन्होंने चुनावी मैदान में बाजी मारी है, तो वहीं 4 को चुनावी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही पार्टी ने 26 नए चेहरों को भी मौका दिया था, जिसमें से 8 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। नए उम्मीदवारों में 18 ने जीत हासिल की। पार्टी ने इस बार 13 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 9 चुनावी मैदान में सफल हुई हैं, तो वहीं 4 को हार का सामना करना पड़ा है। राजद ने मतगणना में लगाया धांधली का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम बीते दिन देर रात जारी कर दिए गए हैं। वहीं एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। इसी के साथ विपक्षियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास मंगलवार की देर रात राजद नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही बिहार विधानसभा आम चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है और शिकायत दर्ज की है। राजद के नेतृत्व में नए कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने अपनी मांग से जुड़े ज्ञापन बिहार के सीईओ को सौंप दिया है। मंगलवार को मुलाकात के बाद सीईओ श्रीनिवास ने बताया है कि राजद के नेतृत्व में मिलने आए महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव जीत चुके उनके उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की शिकायत की है। परिणाम के बाद चिराग पासवान ने जारी किया अपना ट्वीट। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का प्रदर्शन चुनाव के दौरान बेहद ही निराशाजनक रहा। हालांकि चुनाव के बाद ही उन्होंने अपने हनुमान की छवि बरकरार रखी और परिणाम के तुरंत बाद उन्होंने भाजपा को जीत की बधाई दी। इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव परिणाम बताते हैं कि भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है। मुझे गर्व है कि पार्टी सत्ता के लिए झुकी नहीं, हम लड़े और अपने बातों को जनता तक पहुंचाया है। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ गई थी। पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है, इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिल सकता है। इसके साथ ही बिहार में भाजपा के 22 बागी लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के लोजपा में आकर सिंबल लेने की घटना चुनाव में काफी सुर्खियां बटोर
रही थी, पर इन बागियों से भी लोजपा का भला नहीं हो सका। एक भी सीट पर यह बागी लोजपा को सीट दिलवाने में सफल नहीं हो सके। वहीं पूरे चुनाव में लोजपा सिर्फ एक सीट लेने में कामयाब हो पाई। एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है। वहीं जीत के साथ ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली। इसके साथ ही जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 6 ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र ने एक बार फिर विजय प्राप्त की है। भाजपा के बिहार प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस संकल्प समर्पण भाव के साथ कार्य किया वो अभिभूत करने वाला है। भाजपा ने नीतीश को नहीं दिया जीत का श्रेय। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं परिणाम के आते ही एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, जिसको लेकर भाजपा ने भी खुशी जाहिर की है। हालांकि भाजपा ने इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, भाजपा ने कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, बीते दिन परिणाम आने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हो रही है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर 10 राज्यों के उपचुनाव तक भाजपा को मिली जीत। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। वहीं चुनावी परिणाम में भाजपा का परचम लहराया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, कई राज्यों में अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा सीटों पर जहां भाजपा को 74 सीटें मिली है, वहीं उपचुनाव में भी भाजपा ने 40 सीट जीतने के बाद भाजपा का जोश देखने लायक है। आपको बता दें, उपचुनाव के विभिन्न राज्यों के 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराते हुए तरीके से 40 सीट अपने नाम दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस को केवल 12 सीट पर संतोष करना पड़ा है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 19 सीटों पर जीत हासिल करते हुए राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखना सुनिश्चित भी कर लिया है। जीत के बाद पोस्टरों से पटापटना। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में विपक्ष की कड़ी चुनौती का मुकाबला करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत का परचम लहराकर बहुमत का जादू आंकड़ा हासिल कर लिया है। वहीं महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई हैं। एनडीए की जीत के बाद पटना के चौक चौराहे पर केवल नीतीश कुमार के नाम का ही पोस्टर नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में नीतीश कुमार के पोस्टर पाट दिए गए हैं। जीत का ताल ठोकने वाले डबल इंजन की सरकार ने इतिहास रचा। बिहार में काबा नीतीश कुमार बा जैसे दर्जनों पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। ओवैसी उपेंद्र कुशवाहा और मायावती ने बिगाड़ा महागठबंधन का खेल। चुनाव में दो गठबंधन ऐसे थे जिसने वोटों पर बड़ा प्रभाव डाला है, जिसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है। इस गठबंधन ने राजद और महागठबंधन की तमाम सीटों का गणित बिगाड़ दिया है। ओवैसी और मायावती की बीएसपी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा के खाते में भले कोई सीट ना आई हो, लेकिन रालोसपा ने दिनारा केसरिया सहित कई सीटों पर अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं पार्टी ने चैनपुर सीट पर जीत हासिल की है। गोपालगंज में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा भोजपुर शाहबाद की कई सीटों का चुनावी गणित भी पार्टी ने प्रभावित किया है। आज बिहारी पत्र स्पेशल में हम बात करेंगे सुमंत्र सुमो दत्ता की। सुमंत्र सुमो दत्ता का जन्म आज ही के दिन साल 1964 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सुमंत्र दत्ता वर्तमान में ग्लोबल मीडिया एग्जीक्यूटिव और बिजनेस प्रोफेशनल है, जो कि बेमेस्को कम्युनिकेशंस लिमिटेड बांग्लादेश के सीईओ के रूप में सेवारत है। उनके पेशेवर करियर ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुद्रा, स्टार इंडिया, स्टार मिडिल ईस्ट और इकोनेट विजन लिमिटेड के साथ 30 साल का समय बिताया है। भारत में स्टार टीवी की सफलता में उनका उल्लेखनीय योगदान है। 20 से अधिक वर्षों के लिए स्टार में आयोजित विभिन्न विभागों में पेशेवर रूप से प्रशंसित प्रदर्शन का उन्होंने काम किया है। आईपीएल के 13वें संस्करण में मुंबई को मिली जीत। यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की है और इस साल का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और टीम ने 22 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर ऋषभ पंत की 50 के दम पर टीम ने मुंबई
के सामने 157 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। वहीं मुंबई टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली और खिताब लगातार पांचवी बार अपने नाम दर्ज कर लिया। मां बनने के बाद सपना चौधरी ने शेयर की ग्लैमरस तस्वीर। सपना चौधरी अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए सुर्खियां बटोरती रहती है, वहीं अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीर को शेयर किया है, जिसके तहत उन्होंने इस तस्वीर में व्हाइट पैंट सूट पहन रखा है और होठों पर हरे रंग का स्पार्कल लगाया हुआ है, जिसकी तारीफ फैंस काफी ज्यादा कर रहे हैं। हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी ने अक्टूबर के महीने में ही बेटे को जन्म दिया था। वहीं अब उनकी यह नई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है, जहां लोग उनकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं, साथ ही इस नए लुक पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 86 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 44,281 मरीजों की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 86,36,011 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 512 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,27,571 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 80,13,783 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 4,94,657 मरीज सक्रिय बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को शपथ लेना चाहिए या भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।